हेलो दोस्तों, भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए 7 संकेत जो बताते हैं आपका समय अच्छा आने वाला है। दोस्तों, हिंदू धर्म और शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय ही है जो मनुष्य को सही गलत, लाभ हानि, जन्म मृत्यु से अवगत कराता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा समय का चक्र राजा को रंग, भिखारी को धनवान और अमीर को गरीब बना देता है। और देखा जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य को जीवन में कभी खुशी तो कभी दुखों का भी सामना उन्हें करना पड़ता है। तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ और अच्छा समय आने वाला है, उसका पता पहले ही कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने भविष्य में अच्छे समय आने के संकेत को कैसे समझ पाओगे। आज हम कुछ ऐसे ही संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए 7 संकेत हैं, जिन्हें कृष्ण द्वारा नारद जी को बताया गया संकेत को भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए हैं। हिंदू धर्म में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान कृष्ण जी के पास आए और कहा, हे प्रभु, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे अवगत हो सकता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं खुद ही समय पर अपने भक्तों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत जैसे पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुँचाता रहता हूँ, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाते। जब किसी की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है या फिर उन्हें किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उसके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उसके जीवन में कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। तो ऐसे समय में उनकी सहायता मैं करता हूँ। इसके बाद बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य प्रसन्नचित होता है तो हमेशा उसके मुख में मुस्कुराहट रहती है, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ रहता है। तो ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। और शांत मन से जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रसन्नचित मनुष्य के मन में ईश्वर का वास होता है तो आदमी को सफलताएं भी प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान कृष्ण बताते हैं, जब किसी के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए या बंदर उसके घर की वस्तुएं बार बार उठाकर ले जाने लगे या फिर उसके आंगन में बिल्ली बच्चे को जन्म दे या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाने लगे, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उस मनुष्य को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो उसे अब अपने निर्धारित लक्ष्य में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, जिससे उसे निरंतर सफलता मिलती है। इसके बाद भगवान कृष्ण बताते हैं, हे नारद, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे में भी उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों और गुरुओं को कहते सुना होगा कि बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे हमें कमेंट में बताएं। इसके बाद प्रभु बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चों में कमी आने लगे और कमाई के स्रोत में वृद्धि आने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उस मनुष्य का बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य की सारी परेशानियां जाने वाली है और उसके घर में धन ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। तो आदमी को निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इसमें से कुछ संकेत मनुष्य को मैं भेजता हूँ, जिसे वह जान सके। जब वह पूजा की थाली हाथ में लेकर पूजा कर रहा होता है और उसे लगे भगवान की प्रतिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही है या बड़े समय के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है।
इसके अलावा जब स्त्री का बायां और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे तो उसको जान लेना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद भगवान कृष्ण बताते हैं, जब वह किसी कार्य के लिए घर से निकलता है और तब उसे गौ अर्थात गाय के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो उस समय मनुष्य को समझ जाना चाहिए जिस कार्य के लिए वह घर से निकला है वह कार्य उसका अवश्य ही बिना किसी बाधा के पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं, इन सब के अलावा संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र उसे प्राप्त हो या उसे कोई मिठाई दे, तभी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग खुलने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं, उसको आगे चलकर सफलता की नई ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, यह ऊपर बताई गई बातें भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई हैं, जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। हमारे शास्त्र जो हमें जीने की नई राह प्रदान करते हैं और हमें जीने की शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।